नमस्ते। सेमेस्टर सिक्स विषय मनोविज्ञान के 3 दिवसीय ब्रिज कोर्स का आज हमारा पहला दिन है और यह पहला वीडियो ट्यूटोरियल सेमेस्टर छह के मनोविज्ञान विषय के अभ्यासक्रम, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल है, उस अभ्यासक्रम के विषय में है। इस वर्ष या इस सेमेस्टर हमें मनोविज्ञान में पढ़ना है मनोविज्ञान के 2 महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, जिसमें से एक है परामर्श मनोविज्ञान अर्थात हम जिसे कहते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी, और दूसरा भाग हमें जो पढ़ना है वह शाखा है विधायक मनोविज्ञान, जो कि मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो परामर्श मनोविज्ञान और विधायक मनोविज्ञान, इन 2 शाखाओं के बारे में हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। सेमेस्टर का अभ्यासक्रम इस प्रकार से रहेगा। पहले यूनिट में हम परामर्श मनोविज्ञान का परिचय जानेंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी अर्थात परामर्श मनोविज्ञान, यह शाखा क्या है, इस शाखा में किस विषय का अभ्यास होता है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही परामर्श मनोविज्ञान की व्याप्ति कहाँ तक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अभ्यास में या इससे संबंधित संशोधन में किन किन विषयों का समावेश होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। काउंसलिंग आज आम तौर पर ही हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कई समस्याओं के लिए, वो निजी समस्याएं हो, व्यवहारिक हो, प्रोफेशनल कुछ इश्यूज हो, या हमारे व्यक्तिगत निजी जीवन में कुछ इश्यूज हो, उनके लिए काउंसलिंग अर्थात परामर्श लेना किसी भी तज्ञ व्यक्ति से, एक्सपर्ट से, आज हमारी जरूरत है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो परामर्श किन किन उद्देश्यों से किया जाता है, यह देखना भी आवश्यक है। साथ ही इस पहले यूनिट में हम जानेंगे परामर्शदाता अर्थात काउंसलर, जिसे हम कहते हैं जो परामर्श देता है, काउंसलिंग करता है, और परामर्श के जिन्हें कहा जाता है क्लाइंट, जो परामर्श चाहते हैं किसी विषय में या किसी समस्या को लेकर। तो परामर्शदाता और परामर्श लेने वाले जो व्यक्ति है उनके बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, किस प्रकार की रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि परामर्श की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो और सफल हो, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही परामर्श की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, उसका अंतिम चरण क्या होता है, और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती है, इस विषय में भी इस पहले यूनिट में जानने की हम कोशिश करेंगे। इसी अभ्यासक्रम के 2 यूनिट में हम परामर्श के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ाई करेंगे। काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि काउंसलिंग की आवश्यकता हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, कम उम्र के बच्चों को भी परामर्श की आवश्यकता होती है, तो परामर्श के दौरान जो विषय है या जो समस्या है जिसलिए परामर्श दिया जा रहा है उसके अनुसार, या जिस व्यक्ति को परामर्श चाहिए उसके बारे में सोचते हुए अलग अलग तंत्रों का इस्तेमाल होता है, जिसके द्वारा काउंसलिंग या काउंसलिंग से भी आगे बढ़कर हम कहेंगे तो मानसोपचार के लिए इस प्रकार के विभिन्न तंत्र इस्तेमाल होते हैं, जिनमें खेल तंत्र शामिल है जिसे हम कहते हैं प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी बहुत ज्यादा बार तो बच्चों के लिए ही इस्तेमाल होती है। बच्चे कई बार अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पाते हैं खुलकर, या उनकी समस्या क्या है वो खुद ही उससे अवगत नहीं होते, तो कई बार बच्चों के मन में छिपी हुई बातों को जानने के लिए प्ले थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, जिससे उनकी समस्या के बारे में भी जाना जा सकता है, कुछ संकेत मिलते हैं जिसके बारे में उनके व्यवहार में कुछ समस्याएं या उनके सोच के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही प्ले थेरेपी से ही उन्हें कुछ चीजें जो परामर्श के दौरान आवश्यक होती है या मानस उपचार के लिए जरूरी होती है वो समझाने के लिए भी खेल तंत्र इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से संगीत, कला, नृत्य, नाट्य, इनके द्वारा भी, ये सारी कलाएं हैं जिससे व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की मानसिकता, उसके व्यवहार के प्रति बहुत सारी चीजें अभिव्यक्त होती है, तो उनके द्वारा मनुष्य के अंदर जो भी चीजें हैं, जो छुपी हुई है या जो समस्याएं हैं, उनके जो छोटे छोटे पहलू हैं
जो शायद व्यक्ति बताकर नहीं बोल पा रहा है खुलकर, उनके बारे में जाना जा सकता है। साथ ही इन्हीं कलाओं के द्वारा उसकी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है, या परामर्श के दौरान कभी कभी ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति की समस्या को देखते हुए व्यक्ति को ये सिखाना होता है कि वो खुद अपने व्यवहार को या अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर कैसे नियंत्रण करें या उनमें कैसे सुधार लाएं। जैसे अगर हम चिंता की बात करें, अगर कोई व्यक्ति चिंता का शिकार है और हमें उसे काउंसिलिंग देना है, हमें उसे परामर्श देना है कि वो कैसे चिंता को नियंत्रण में रखे या स्ट्रेस कम ले, तनाव मुक्त रहे, तो इसके लिए इन तंत्रों का परिचय अगर आप उससे करवाते हैं कि वो किस प्रकार से संगीत की सहायता से अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकता है या स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, या जब भी उसे चिंता महसूस होती है तो वो किस प्रकार से संगीत या उसे अन्य कोई उसकी हॉबी होगी, कोई कला उसमें होगी, तो उस कला के माध्यम से वो कैसे अपनी चिंता को, अपने तनाव को बाहर निकाल सकता है, व्यक्त कर सकता है, ये हम उसे सिखा सकते हैं। नृत्य एवं नाट्य ये भी ऐसी कलाएं हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या उसकी सोच के बारे में बहुत सारी चीजें व्यक्त होती रहती है। तो ये तंत्र समस्याओं को समझने का भी एक तरीका है और साथ ही समस्या से दो हाथ करने का भी तरीका इन तंत्रों के माध्यम से हो सकता है। योग तथा ध्यान उपचार भी ऐसे तंत्र है जो मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अगर करता है तो व्यक्ति अपने आप पर, अपनी चिंता या तनाव पर, या अन्य भी जो नकारात्मकता है उसके जीवन में, या जो भी उसके जीवन में पहली चीजें हो चुकी है, कुछ उनकी यादें है जो कि उसे डिस्टर्ब करती है, या कुछ ऐसे वर्तमान में कुछ ऐसा तनाव है जिससे निकल पाना अभी संभव नहीं है, पर ऐसी स्थिति में भी अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग और ध्यान उपचार बहुत उपयोगी है, लाभदायी है, जिसके बारे में भी परामर्श के दौरान उसे सिखाया जा सकता है। तो ये कुछ तंत्र है जो परामर्श के दौरान इस्तेमाल। यूनिट 3 में हम देखेंगे कि परामर्श के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं। जैसे काउंसलिंग की आवश्यकता, मैंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को कभी ना कभी परामर्श की अर्थात काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र है जिनमें काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, पर मेजर एरियाज की अगर हम बात करें कि प्रमुख रूप से ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनमें परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती ही पड़ती है, या उन विषयों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अगर व्यक्ति पहले परामर्श ले तज्ञ व्यक्ति से तो वो जीवन में अच्छे निर्णय ले पाएगा, ऐसे एरियाज कौन से है या ऐसे क्षेत्र कौन से है इसकी अगर हम बात करें तो जैसे है पारिवारिक परामर्श। परिवार में लोगों के दौरान उनके रिलेशनशिप में कोई तनाव हो, कोई समस्या हो, या परिवार में कोई एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, या आर्थिक कमी के कारण, या कोई सामाजिक पहलू ऐसा है जिसके कारण लगातार परिवार में तनाव बना रहता है, या परिवार में जो क्रियाकलाप होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जो संवाद होना चाहिए वो नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर वो परिवार परेशान है तो किसी एक व्यक्ति के कारण भी समस्या अगर हो तो भी सिर्फ एक व्यक्ति को परामर्श देना काफी नहीं होता। कई बार उस व्यक्ति से या उस समस्या से कैसे दो हाथ करने हैं इसके विषय में परिवार के अन्य लोगों को भी परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि पूरा परिवार ये जाने कि इस समस्या से दो हाथ कैसे करने हैं और एक टीम बनकर एक साथ आकर उस समस्या से या उस व्यक्ति से जो भी समस्या है उससे बाहर निकल सके या उसे बहुत अच्छे तरीके से उसका व्यवस्थापन कर सके। तो कई बार ऐसी समस्याओं में जहां परिवार पर उस समस्या का परिणाम हो रहा है या परिवार ही उस समस्या का कहीं ना कहीं कारण है या उसमें योगदान दे रहा है जाने अनजाने में, तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक परामर्श भी जरूरी होता है। तो परिवार के विषय में जहां जहां काउंसलिंग किया जाता है उसे पारिवारिक परामर्श का क्षेत्र कह सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है विवाह पूर्व परामर्श। आमतौर पर अभी जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है इसमें देखा जाता है
विवाह के उपरांत जो पति पत्नी है उनमें, या जो दो परिवार उस विवाह के कारण एक दूसरे से उस नाते से जुड़े हुए हैं, उनमें कई बार समस्याएं निर्माण होती है, कुछ विवाद होता है, संकल्पनाओं को या जो मूल्य है जीवन के प्रति, जो सोच है, अपब्रिंगिंग लोगों का अलग अलग होता है, तो उस प्रकार से एक दूसरे को समझने में मुश्किल महसूस होती है। और जो एक सफल विवाह होना चाहिए वैसा नहीं होता, उसमें कुछ समस्याएं निर्माण होती है, क्योंकि अपेक्षाएं अलग अलग होती है एक दूसरे, जरूरी नहीं कि जो पति पत्नी है विवाह के उपरांत या विवाह से पहले भी जो वर वधु है उन्होंने एक दूसरे से इतनी खुलकर बात की होगी कि वो पूरी तरह से एक दूसरे को समझ पाए हैं। तो कई बार ऐसा न होने के कारण विवाह के बाद कुछ समस्याएं निर्माण होती है जो फिर अधिक अधिक जटिल हो जाती है और आगे जो बात है वो उनके अलग होने तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए ये एक निरीक्षण है समाज में अलग अलग लोगों का, अलग अलग तज्ञ व्यक्तियों का, और कई बार ये लाभदायी भी साबित हुआ है, काफी लाभदायी साबित हुआ है कि विवाह के पूर्व वर और वधु जो है उन्होंने, या अगर आवश्यकता है, अगर वैसी कोई कोई समस्या प्रतीत हो रही है तो दोनों के परिवार ने भी विवाह पूर्व परामर्श लेना चाहिए। जबकि हालांकि विवाह पूर्व परामर्श ये जिन दो लोगों का विवाह होने जा रहा है उनके लिए ही ये संकल्पना है, ऐसी स्थिति में वो जो समुपदेशक है या परामर्शदाता है वो दोनों लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने का, या विवाह संस्था क्या है, विवाह की प्रक्रिया क्या है, आगे भविष्य किस प्रकार से होगा, उसे किस तरह से देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, कहाँ कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है और जो समय रहते समझना आवश्यक है, इन सब विषय में जो परामर्शदाता है उन दो लोगों को परामर्श देता है, जिससे वो अपने नए भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और जो समस्याएं निर्माण हो सकती थी उन्हें समय रहते ही टाल सकते हैं। तो विवाह पूर्व परामर्श भी परामर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। शालेय तथा करियर परामर्श के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जब हम पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं तो कौन से विषय उन्हें पढ़ने हैं, आगे जाकर उन्हें कौन सा करियर लेना चाहिए, किस प्रकार, क्योंकि ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जीवन के, और अगर ये निर्णय ज्यादा सही हम ले पाए तो उसका लाभ जीवन में जरूर महसूस होता है। अगर ये निर्णय लेने में कहीं कमतर हो जाते हैं, हम लोग अच्छी तरह से निर्णय नहीं ले पाते, तो उसका भी जो नुकसान होता है या उसके कारण भी जो समस्याएं होती है वो भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। कई बार माता पिता और बच्चे इनमें मतभेद होता है, क्योंकि किसी को लगता है कि एक प्रकार के विषय का अभ्यास करना चाहिए, कोई अलग डिग्री लेनी चाहिए, दूसरे को लगता है कि नहीं दूसरे डिग्री की पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के सहायता से या परामर्शदाता जो है व्यक्ति की काबिलियत, उसकी बुद्धि, उसका रुझान किन चीजों के तरफ है, उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार के करियर के लिए उपयोगी है, या ज्यादा प्रभावी रूप से वो कौन सा करियर आगे ले जा सकता है, इस विषय में परामर्श देता है, ताकि करियर से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित निर्णय जो हो वो ज्यादा सटीक हो और ज्यादा लाभदायी साबित हो व्यक्ति को आगे भविष्य में। साथ ही साथ परामर्श का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपातकालीन परामर्श। व्यक्ति के जीवन में कई बार कुछ ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां निर्माण होती है जिसके लिए व्यक्ति बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, हम जैसे कहते हैं ट्रॉमा, जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती है, नैसर्गिक रूप से कुछ आपदाएं घटित होती है, जिन आपदाओं को किस प्रकार से उसे दो हाथ करने हैं, उसका सामना कैसे करना है, क्योंकि वो आपदाएं होती है तो आमतौर पर हमारे जिंदगी का वो भाग नहीं होती, आमतौर पर जो समस्याएं छोटी मोटी होती है उनसे कई गुना बड़ी होती है ये आपदाएं, तो व्यक्ति बिल्कुल ही इस स्थिति में नहीं होता कि इनसे कैसे निपटा जाए। कई बार ऐसी विपदाएं जब होकर गुजर जाती है उसके जो तात्कालिक परिणाम होते हैं वो तो होते ही है व्यक्ति पर लंबे समय तक या व्यक्ति के पूरे जीवन पर वो आपदा इस प्रकार से परिणाम छोड़ देती है कि व्यक्ति आपदा के गुजरने के बाद भी, परिस्थिति सामान्य होने के बाद भी व्यक्ति सामान्य नहीं हो पाता। हम जैसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मतलब वो ट्रॉमा हो गया, कहीं भूकंप हो गया, घर में आग लग गई,
पूरा पूरा परिवार जो है उस आग में नहीं बचा, या और भी ऐसी कोई घटनाएं जीवन में हो सकती है जो कि व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कोई अपघात हो गया व्यक्ति का, काफी लंबे ट्रीटमेंट के बाद व्यक्ति सहज हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम छोड़ देती है पूरी जिंदगी के लिए। तो वो ट्रॉमा के जाने के बाद भी व्यक्ति उससे जूझता रहता है, अपने आप को सहज करने की कोशिश करता रहता है, तो बाद में भी और जब वो आपदा की स्थिति होती है तब भी व्यक्ति को कई बार परामर्श की आवश्यकता होती है कि अभी वर्तमान स्थिति में आपदा में हम घिरे हुए हैं तो क्या करना चाहिए, और कई बार आपदा के गुजर जाने के बाद भी पुनः अपने आप को सामान्य कैसे किया जाए, इस विषय में भी परामर्श की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्र को आपातकालीन परामर्श का क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे ये विभिन्न क्षेत्र जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है विधायक मनोविज्ञान के बारे में। ये मनोविज्ञान की सबसे नई नवीनतम शाखा है जिसका उद्गम कुल वर्ष 2000 के आसपास हुआ है, मतलब 21 साल से इसका अध्ययन शुरू हुआ है। हमने मनोविज्ञान की जो इसके पहले विचारधाराएं पढ़ी है जिसमें हमने पढ़ा था मानवतावादी विचारधारा के बारे में, जो अब्राहम मास्लो नाम आपको याद होगा जिन्होंने अधिश्रेणी दी है प्रेरणा के विषय में, तो अब्राहम मास्लो या कार्ल रॉजर्स ऐसे कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ये विचारधारा मतलब यह विचार है, ये विचारधारा इस विचार पर आधारित है कि हर मनुष्य में अपने आप का उत्थान करने की, अपनी प्रगति करने की, अपना विकास हर संभव दिशा में अपना विकास करने की शक्ति होती है। हर व्यक्ति में जन्मतः ये शक्ति होती है कि वो अपने जीवन को जिस चाहे उस दिशा में ढाल सकता है, अपने जीवन को आगे ले जा सकता है, मतलब वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होता या किसी पर पूरी तरह से अवलंबित नहीं होता है कि जो मेरी जिंदगी को बाकी जो घटक है बाहर मेरे से अलावा वो मेरी जिंदगी को बनाएंगे, नहीं, व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी को बना सकता है, अपनी समस्या से दो हाथ कर सकता है, अपने जीवन में जो उसे उद्देश्य जीवन का लगता है उस दिशा में जीवन को ले जा सकता है। ऐसा विचार रखने वाली जो विचारधारा थी वो थी मानवतावादी विचारधारा। तो मानवतावादी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले और 21वीं सदी के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो भी अध्ययन किया उस विषय में, और ये बताते हुए काफी गर्व महसूस होता है कि मानवतावादी विचारधारा ये काफी हद तक जो हमारे भारतीय विचार है या हमारे भारतीय ग्रंथों में जो जीवन के प्रति जो विचार बताया गया है, मनुष्य के प्रति जो बताया गया है ज्ञान, उन पर आधारित थी। तो उनका अध्ययन करते करते उन मनोवैज्ञानिकों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो विचारधाराएं मनोविज्ञान की अभी तक हम जिनका अभ्यास कर रहे थे 19वीं सदी में 20वीं सदी में, उससे आगे अब हमने इस विषय को ले जाना है, और इस विषय पर उनका जो भी अभ्यास हुआ, संशोधन हुआ, उससे उन्होंने विधायक मनोविज्ञान इस विचारधारा की नींव रखी। तो ये काफी नई विचारधारा है, और इस विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए उन मनोवैज्ञानिकों ने दो बहुत महत्वपूर्ण संकल्पनाएं बताई है जो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है जीवन उत्थान के कौशल। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना कल्याण करना है, अगर उसे जीवन में बड़ा बनना है, अगर उसे अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, अपने स्व को और ज्यादा पूरी तरह से विकसित करना है, तो उसमें कौन कौन से कौशल होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो जीवन उत्थान के कौशल, ये ऐसे गुण, ऐसे कौशल उन्होंने लिखे हैं, बताए हैं, जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। तो उन गुणों का, उन कौशल का विकास कैसे हो व्यक्ति में, इसके बारे में व्यक्ति ने भी सोचना चाहिए, ऐसी एक संकल्पना उन्होंने बताई है। और दूसरी महत्वपूर्ण संकल्पना जो उन्होंने बताया है, एक वर्गीकरण दिया है कि हर व्यक्ति के चरित्र में कौन से सामर्थ्य होने चाहिए और कौन से गुण होने चाहिए, मतलब व्यक्ति की कौन सी शक्तियां होनी चाहिए और व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाए, उसे विधायक उद्देश्य के साथ आगे ले जाए, और अपने साथ साथ अपने समाज को भी इस तरह से सकारात्मक रूप में ढाल दे कि मानसिक बीमारियां या तनाव या उसका शिकार होना व्यक्ति ने, इस प्रकार की घटनाएं
कम हो जाए या ना के बराबर हो, तो व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व विकास को करते हुए कौन किस प्रकार की शक्तियां विकसित करनी चाहिए अपने अंदर और कौन से गुणों को अपनाना चाहिए, इसके विषय में भी विधायक मनोविज्ञान बताता है। तो इस बारे में हम जो है यूनिट 4 में बात करेंगे। इसके बाद ये तो थियरी के 4 यूनिट हो गए। उसके बाद सेम 6 में हमें 4 प्रैक्टिकल परीक्षण भी करने हैं प्रैक्टिकल में, जिसमें से एक है टाइप ए बी व्यवहार नमूना परीक्षण। आपको पता है कि व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए जाते हैं, टाइप ए बिहेवियर और टाइप बी। तो टाइप ए और टाइप बी जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार से हमारे प्रयुक्त में दिखाई दे रहा है, उसके विषय में ये परीक्षण है। दूसरा है जीवन कल्याण परीक्षण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यकता परीक्षण और मनोवैज्ञानिक कठिनता परीक्षण। ये 4 जो प्रैक्टिकल्स है परीक्षण है वो इस बार हम सेम करेंगे। उसके बाद एक हमें संशोधन प्रकल्प भी करना है। ये संशोधन मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट है एक, जो हमें ग्रुप में करना है। हर किसी को अपना अपना प्रोजेक्ट नहीं करना है, पूरे ग्रुप ने मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। हम कोई विषय लेंगे, जिस विषय पर हम रिसर्च करेंगे उस पर हम डेटा एकत्रित करेंगे, फिर उस पर स्टैटिस्टिकल कुछ प्रोसीजर करेंगे, उसका कुछ गणितीय विश्लेषण करेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और बाद में उसका रिपोर्ट लिखेंगे। जिस प्रकार से अभी हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस माध्यम से रिसर्च प्रोजेक्ट करना ग्रुप में थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे जब भी संभव हो कि हम ऑफलाइन मोड में कॉलेज में मिल पाए, तब हम ये संशोधन प्रकल्प जरूर आगे ले जाएंगे। अगर वैसा संभव नहीं हुआ तो भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन मोड में भी, मतलब एक दूसरे से ना मिलते हुए भी, हम किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा पाएंगे, लेकिन ये हमारे अभ्यासक्रम का एक भाग जरूर है। तो जैसे कि हमने सेमेस्टर 5 में ऑनलाइन डिस्टेंट मोड में पढ़ाई की थी, उसी प्रकार से हम सेम 6 की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालात है वो सामान्य नहीं है और कॉलेज भी शुरू नहीं है। तो इस बार जो आपके अभ्यासक्रम से संबंधित है, गूगल क्लासरूम मैंने ऑलरेडी बना ली है, इसमें मैं सारे नोट्स अपलोड करूंगी और जो हमारा टाइम टेबल रहेगा उसी के हिसाब से वो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मैं इसके पहले भी पीडीएफ फाइल्स भेजा करती थी नोट्स की, वैसे मैं वहां पर भी भेजा करूंगी। और इस बार हम चारों यूनिट पर, जैसे पिछले बार हुए थे, यूनिट टेस्ट भी लेंगे, रिविजन क्लास लेने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा के लिए तैयारी जो है वो काफी बेहतर हो। तो इस प्रकार से सेमेस्टर 6 में हम इस अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे, ऑनलाइन डिस्टेंट मोड में ही पढ़ पाएंगे ऐसी संभावना लग रही है, लेकिन जब भी संभव हो हम कॉलेज में मिलकर भी अपने अभ्यासक्रम को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।